और गाइस ये आखिरी फाइनल डिटेल्स और यहाँ पर हमारा घर हो चुका है कंप्लीट। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज मैं आपको टीच करने जा रहा हूँ कि आप अपना माइनक्राफ्ट में घर कैसे बना सकते हैं। नहीं गाइज, कोई ब्लॉग बाय ब्लॉग ट्यूटोरियल नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे गाइज ना तो गाइज आप ये हाउस मतलब इससे भी बढ़िया हाउस बना सकते हो खुद से, ना कि किसी का ट्यूटोरियल देख के। तो गाइज लेट्स बिगिन। तो गाइज सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको चीज़ लगेगी वो है लेआउट। अगर गाइज आप क्रिएटिव में बना ले तो आप वो लिया फिर कॉन्क्रीट से ऐसे लेआउट बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ऑरेंज वाला बेस है, रेड वाला उसके ऊपर की वॉल, और जो ब्लू वाला है ऑफकोर्स वो ऊपर इसलिए वो रूफ, ये येलो वाला इसे साइड बाय का, ऐसे आप लोग का ना डिटेल दे सकते हो। मतलब आपको यहाँ पे क्या करना, तो यहाँ पे जैसे तो मैंने साइड में टावर भी लगाए ताकि घर में वो डिटेल रहे। एंड गाइज आपको सबसे पहले शुरुआत करनी है बेस से। तो गाइज समझ लो गाइज मैंने कॉबल स्टोन का बेस बना लिया, लेकिन मैं इसको और डिटेल दे सकता था। मतलब गाइज अगर देख लो गाइज, अगर हमने इसमें से मौसी कॉबल स्टोन लगाए तो ये कितना ज़्यादा डिटेल लग रहा है। और गाइज अगर हमने इसको पूरी तरफ किया तो गाइज ये बहुत ज़्यादा कूल भी लग रहे हैं। नहीं, इसको टावर को नहीं किया। और गाइज इसको अगर आपको करने में ज़्यादा कुछ टाइम भी नहीं लगेगा, जैसे गाइज सिर्फ आप लोग यहाँ पर एक होल करो, यहाँ पर इसको लगा दो, मतलब गाइज आप रैंडम लगाओगे तब भी वो बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर दो यहाँ पर एक, ऐसे गाइज आप लोग रैंडमली कर सकते हो। एंड ये बहुत ईजी भी होता है और कूल भी ज़्यादा दिखते हैं। जैसे कि देख लो यहाँ पर मैंने किया यहाँ पर, और देखो गाइज अभी कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है वो। गाइज इस तरह से आप लोग एक एक चीज़ को ऐसे डिटेल दे सकते हो। फिर गाइज आता है ये वाला हिस्सा, पर आपको यहाँ पे पहले लेआउट करने पड़ेगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि गाइज आप किस तरह का बना रहे हो। मतलब गाइज ऊपर वाले से मैच होने वाला ब्लॉक यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपको यहाँ पे ब्लॉक काउंट से ऐसे करके इस साइड पे एक दूसरा ब्लॉक लगाना है, और ऐसे गाइज आप लोग ऐसी फ्रेम बना सकते हो कि इसके अंदर आप ब्लॉक लगाओ। और गाइज ये इजी भी हो जाएगा आपको जल्दी से ब्लॉक्स लगाने में। और ये तो आप इस घर के पूरे साइड भी कर सकते हो। जैसे कि अभी ये देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसको पूरा कर लिया कुछ मिनट के अंदर। एंड ये बहुत अच्छा भी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी से घर एकदम अच्छा लग रहा है, ऐसा लेगोस का लग रहा है गाइज, कलरफुल इसलिए तो। एंड फिर गाइज अभी हम लोग आते हैं इस वाले पार्ट की तरफ, और यहाँ पर हमें चूज़ करना है कि गाइस हम लोग कौन सा ब्लॉक यूज़ करें। जैसे कि यहाँ पर मैंने डायोराइट पॉलिश डायोराइट और वाइट वूल का यूज़ किया, और ये एकदम कूल लग रहा है। ऐसे गाइस हम लोग जब मिक्सचर करेंगे ना ब्लॉक्स का तो वो ज़्यादा कूल लगेगा। और गाइस देखते देखते एक कुछ मिनटों के अंदर गाइस ये कर और ज़्यादा डिटेल पे डिटेल होते जा रहे हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग गाइस अभी हम लोग मैं आपको बताने वाला हूँ, और गाइस जो कि रूफ। यस गाइस रूफ, तो गाइस रूफ में आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने वन ब्लॉक का, मतलब गाइज यहाँ पे स्टेयर केस का हम यूज़ नहीं करेंगे। हाँ स्टेयर केस का करेंगे साइड पे, यहाँ पर ऐसे थोड़ा गाइज इसका लेआउट, एक सेकेंड गाइज। एंड हाँ यस गाइज, तो गाइज यहाँ पर लेआउट के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हो। और जो ये यहाँ पर दो ब्लॉक्स ले गए, कोई बात नहीं गाइज। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने ऊपर एक बहुत बड़ा सा ये जो है यहाँ पर गाइज हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे ग्रे कॉन्क्रीट के साथ, क्योंकि जो ग्रे डार्क कलर और डार्क कलर एक साथ मैच है। जी गाइस ग्रे जो है वो डार्क ओक और स्प्रूस के साथ भी अच्छे से मैच होता है, लेकिन गाइस सिर्फ ग्रे ऐसा ब्लॉक नहीं जो कि डार्क ओक और स्प्रूस के साथ मैच होता है। एंड डू यू नो गाइस प्रिज्मरीन भी बहुत ज़्यादा मैच होता है, लेकिन नहीं प्रिज्मरीन हम लोग यूज़ करेंगे गाइस, लेकिन इस वाले बिल्ड में नहीं, इसमें डार्क ओक यूज़ करने वाले गाइस हम लोग। एंड हाँ डार्क ओक ही यूज़ करेंगे। और नहीं ये तो गाइस बिल्कुल नहीं गाइस, मैं ट्राई कर रहा था कि गाइस ये गाइस सियान कलर भी बहुत अच्छा लगता है इसके साथ, और सूट भी करता है गाइस। हाँ गाइस सियान कलर भी बहुत ब्रांड लगता है, लेकिन गाइस अभी मैं आप देख सकते हो गाइस मैं बहुत स्पीड में टाइम लैप्स है गाइस ये। एंड यहाँ पर तो गाइस यहाँ पर हमने पूरी रूफ को कर लिया गाइस हमने यहाँ पर कम्प्लीट। और गाइस जो अभी हमारी नेक्स्ट थिंग आती है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि ये डिटेल्ड, मतलब गाइस आपको डिटेल देने का। तो गाइस हम लोग शुरुआत करेंगे गेट से। हाँ गाइस यार सिंपल सा गेट बनाया है गाइस मैंने, एकदम सिंपल सा है। आप बोलोगे भाई इतना बड़ा दरवाजा कहाँ से लाओगे, तो गाइस सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। एक सेकेंड गाइस वो डार्क ही, तो गाइस आपको यहाँ पे एक सेकेंड हाँ, तो यहाँ पर आपको ऐसे लॉक लगाते जाने का ऊपर तक। एंड हाँ वन मोर लेयर, एंड यहाँ पर आपको एक ब्लॉक लगा देने का है। और गाइस एक सेकेंड हाँ यहाँ पर भी गाइस आपको एक लॉक लगा देने का है, और यहाँ पर गाइस आपको एक स्प्रूस का डोर लगाने का है ना, तो आप डार्क कोक भी यूज़ कर सकते हो यानी चॉकलेट डोर्स। एंड गाइस इस तरह से आप विंडो बना सकते हो, विंडो में आप फेंसेस का यूज़ कर सकते हो ताकि और ज़्यादा डिटेल लगे।
एंड एज यू कैन सी गाइस ये दोनों भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रहे हैं। और गाइस अगर हम इस ऊपर की दीवारें पे से विंडोज़ बनाए तो फिर आप लोग इसे इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। एज वेरी थैंक्स टू BOO जिसने इस तरह की वीडियोस देखी और ट्यूटोरियल्स बनाई है। तो हाँ, मैं उससे उसकी वीडियो को देखा, इसे मैं हिंदी में इस वीडियो को बना रहा हूँ। एंड एज यू कैन सी गाइस नहीं एक सेकेंड, हाँ गाइस आप लोग यहाँ पर नई सी स्टेयरकेस लगा सकते हो जैसे कि वो गोल लगे। गाइस ये तो मेरे को ओवल लग रहा है, लेकिन गाइस गोल तो गोल होता है, ओवल ही नहीं। एंड गाइस ऐसा नहीं कि गाइस आप लोग विंडो 2x2 वर्टिकल बनाओ, आप हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हो जस्ट लाइक अ सो। एंड बहुत इजीली और बढ़िया भी लगता है गाइस। और यहाँ पे फिनिशिंग टच के लिए थोड़े से ट्रैप डोर एंड डिटेल एंड डिटेल एंड डिटेल गाइस बहुत सारी डिटेल देने के बाद आप चाहे तो ट्रैप डोर को बहुत अलग अलग तरीके से लगा सकते हो। और यहाँ पर मैंने एक और रूम की तरह बना लिया और गाइस मैंने थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा इस मेरे को। यस तो गाइस देख सकते हो ये आगे वाली साइड बहुत डिटेल लग रही है। और गाइस चाहे तो हम लोग इसको अलग अलग और ज़्यादा कर सकते हो हर एक घर में से। चाहे तो यहाँ पर हम एक विंडो बना सकते हैं। नहीं नहीं गाइस यहाँ पर जगह नहीं है गाइस, जगह नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। एंड जैसे कि आप देख सकते हो गाइस यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक गैलरी बनी, इसके नीचे हम फोर्ज बनाएंगे। फोर्ज पता है ना गाइस, फोर्ज इन फायर। एंड यहाँ पर भी मैंने एक बैकडोर बनाया है, वही बहुत अंधेरे है, अनभागो भागो भागो। और गाइस यहाँ पर भी मैंने छोटा सा एरिया बनाया है, यहाँ पर हम स्टेबल बना सकते हो। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस ये जो गोल लग रही है, हाँ गोल है, थोड़ी बार गोल है तो, और ये गोल लग रहा है गाइस ये वाली विंडो। एंड यहाँ पर भी सेम टू सेम। और ये जो येलो वाले के देख सकते हो आपने गाइस, मैंने क्यों छोड़ा था गाइस, देख सकते हो कितना ज़्यादा डिटेल्ड हो गया। और यहाँ पे स्प्रूस है गाइस, नहीं स्प्रूस नहीं, डार्क ओक। और गाइस अभी हम जो नेक्स्ट थिंग करने वाले वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि है गाइस लैंडस्केप। यस गाइस वैसे मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को भी देखते हुए सुने हैं कि भाई कोरस डट का क्या काम है, इतनी बेकार डट है, ग्रास में कन्वर्ट नहीं होती। तो गाइस यूट्यूबर्स अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, वैसे कोई नहीं देखता मेरी वीडियो, लोगों अगर आप वीडियो देख रहे हो तो देख सकते हो गाइस कोरस डट का कितना ज़्यादा यूज़ होता है और कितना ज़्यादा डिटेल्ड, हाँ कितना ज़्यादा डिटेल लग रहा है। ऐसा लग रहा है गाइस आधी जगह घास है और आधी नहीं, कितना ज़्यादा कूल लगता है गाइस। एंड बहुत ज़्यादा डिटेल भी है। और गाइस मैंने यहाँ पर जो टावर है उसके रूप पे भी गाइस जैसे एंटीनास की तरह लगा दिए एंटीना, या फिर आप कह सकते हो थोड़ा और नुकीला बनाने के लिए। और अभी तो ये गाइस और ज़्यादा डिटेल्ड लग रहे हैं। एंड गाइस यहाँ पर एक ब्लॉक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एंड मे बी यहाँ पर, और यहाँ पर एक ग्रास। और गाइस देख सकते हो यहाँ पर मैंने पाथवे भी बना दिए जो कि इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा है, अच्छा है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा फार्म्स भी बनाया है क्योंकि गाइस ऑब्वियसली एक सर्वाइवल हाउस है। एंड यहाँ पर ट्रैप डोर के नीचे पानी है ताकि आप पानी में गिरो नहीं, इसलिए मैंने ट्रैप डोर लगा दिए। और यहाँ पर पीछे फोर्ज भी किया है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ ऑब्वियसली इसके नीचे कैंप फायर होंगी जो कि अच्छे लग रहे होगा। इस कोल ब्लॉक भी बहुत सूट करता है स्टोन के साथ। एंड गाइस ये वनीला इसलिए आप कोई से टेक्सचर पैक के डाउनलोड जरूरत नहीं। और यहाँ पे हॉर्स टेबल है। और गाइस आप बोल रहे कि भाई ऐसे फेंसेस क्यों लगाए, क्योंकि गाइस मैंने एक यूट्यूबर ऐसा शिवमी वर्ल्ड की वीडियो में देखा था कि इसके अंदर से हॉर्स नहीं निकल सकते, पता नहीं ये बेडरॉक में काम करता कि नहीं। यहाँ पे थोड़े बहुत फ्लावर्स है और यहाँ पे वुड, जैसे गाइस आपने वुड काट के लाई है अलग अलग एरिया से और यहाँ पे उसको स्टोर किया। गाइस जिस तरह से बहुत सारा डिटेल बन जाता है। एंड गाइस मेरे को अभी भी कुछ कमी तो लग रही है। हाँ गाइस क्यों ना हम इसके ऊपर शिखर जो कि इंग्लिश में आर्च कहते हैं, हाँ आर्च क्या बना दे, हाँ क्या गाइस ट्राई करती है। तो कहते तो गाइस मैं एक नॉर्मल सा आर्च बनाने की सोच रहा हूँ, नहीं नहीं इतना ज़्यादा बड़ा नहीं। ओ गाइस मेरे को इसका एक्सपीरियंस तो है गाइस मेरे, अगर आपने मेरी माइनक्राफ्ट इंस्पिरेशन सीरीज विद मी देखी है तो मैं एक है। तो गाइस यहाँ पर अभी मैं यहाँ पे स्प्रूस यूज़ करने वाला हूँ, मेरा फेवरेट ब्लॉक स्प्रूस। एंड यहाँ पे स्प्रूस यूज़ करते हैं, यहाँ पे भी नीचे भी लगा देते नहीं। सबसे पहले तो गाइस मैं इसका, हाँ गाइस पहले हम लोग पी बाहर का बना लेते फिर इसके अंदर जाएंगे। और गाइस जब तक मैं इसकी रूप बना रहा हूँ आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, लाइक यहाँ तक देखिए तो अच्छे तो लगी होंगी, तो एक लाइक मार दीजिए बहुत अच्छी सी लाइक। भाई आप लोग चप्पल से मारो, पत्थर से मारो, एक यहाँ से स्टेयर केस लगाता हूँ, एक वहाँ से लगाता हूँ, जल्दी से करो गाइस आप लोग लाइक। अगर गाइस आप देखते गाइस मेरी रूप बना से पहले अगर आपने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया तो देखते गाइस, अगर गाइस आपने कर दिया तो वेरी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और गाइस आप बोलोगे भाई ये तो अच्छी नहीं लग रही है, नहीं गाइस अभी ये तो सिर्फ इसका लेआउट है। यहाँ पर मैंने यहाँ पे देख सकते हो स्प्रूस का बना लिया और इसके ऊपर स्प्रूस नहीं कि मैं डार्क ओक लगाऊंगा ताकि गाइस थोड़ा और डिटेल लगेगा। हाँ गाइस डिटेल,
एंड गाइस पूरी हो चुकी है कंप्लीट। नो गाइस यहाँ पर तो अंदर का पूरा एरिया रह गया। हाउ डू आई फॉरगेट दिस हाउ। ओके तो यहाँ पर गाइस हम लोग अंदर शायद कौन सा ब्लॉक यूज़ करेंगे वो छोड़ गए। सबसे पहले इसको गोल, ये देखो गाइस यहाँ पर गोल बन चुका है। और गाइस हमने इस पूरे बिल्ड में माइनक्राफ्ट का राष्ट्रीय ब्लॉक तो यूज़ किया नहीं, ओक ओक लॉग माइनक्राफ्ट का फेवरेट ब्लॉक। ओके तो गाइस यहाँ पर एक सेकेंड यहाँ पर एक है। हाँ रुको रुको रुको, अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है। यहाँ पर एक जस्ट लाइक अ सो। और गाइस यहाँ पर हमने इसको भी बना दिया और अभी हमारा घर और ज़्यादा डिटेल लग रहा है, तो इसके पीछे भी मैं बना दूंगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस वीडियो पे एम रखने वाला हूँ मैं 50 व्यूज़ का, इसलिए गाइस जल्दी से व्यूज़ कंप्लीट कर दो। अपने माइनक्राफ्ट खेलने वाले दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि इसमें मैंने ट्यूटोरियल नहीं बताया ब्लॉक बाय ब्लॉक, लेकिन इसको आप में टिप्स दिए ताकि आप इससे भी अच्छा घर बना सको आपके माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में। एंड डिस्कॉर्ड को भी ज्वाइन कर लीजिए, अगर आपको माइनक्राफ्ट के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को वहाँ पर डिस्कॉर्ड पर बता सकते हो। इंस्टाग्राम डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलूंगा मैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बाय।